मेरा नाम करमवीर माहौर सिंह। करमवीर जी बताओ, आज तो मैसेज किया अभी साहब, क्या मामला है? देखिए मामला ये है, 20 दिसंबर को मैंने अपने घर वापसी की है, ठीक है, हिंदू रीति रिवाज से जैसे आज श्रम मंदिर में की है मैंने 20 दिसंबर को। उसके बाद में मैं अपने घर गया तो ये जो मुस्लिम समाज के लोग हैं ये मुझे बिल्कुल जीने नहीं दे रहे, मुझे धमकियाँ मिल रही हैं, पैसों का भी लालच दिया जा रहा है हर तरीके से। अगर मान जाओ तो ठीक हो, अपने धर्म में मुसलमान धर्म में वापसी आ जाओ, वरना हम तुम्हें मार देंगे, तुम्हारे बच्चों को जीने नहीं देंगे। अब मैं 5-6 दिन से अपनी बीवी बच्चों को लेकर दोबारा भाग रहा हूँ, परेशान हूँ, अपने घर नहीं जा पा रहा, मैं बहुत परेशान हूँ। एक बहुत बड़ी नेता अपने आप को जो बीजेपी की नेता कहती है, वो गुंडों को भेज भेज के मुझे धमकियाँ दिलवा रही है, हैं? उसको ये समझ आने चाहिए कि नवाब नाम के गुंडे से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैंने अपनी घर वापसी करी, अपने पूर्वजों में गया हूँ मैं, ठीक है। क्या नाम है उसका बीजेपी की जो? वो रूबी आसिफ कहते हैं उनको, और जो उनको भेज रही है वो नवाब जैसे गुंडों को भेज रही है मेरे पास, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, नवाब हैं और भी लोग हैं जिनके मैं नाम बताऊंगा, जिनको ध्यान में नहीं आ रहा, मेरे रात में आए थे मेरे घर, मुझे लालच दे रहे हैं, मुझे पैसों का हर चीज़ से मुझे धमकी दे रहे हैं, क्या किसी भी तरीके मान जाओ। तो पहले आप मुस्लिम थे? जी मुस्लिम था मैं, मेरी बीवी हिंदू थी, मैंने हिंदू रीति रिवाज से ही शादी की थी उनसे और कोर्ट मैरिज किया था, लेकिन मैं अपने धर्म में रहा, वो अपने धर्म में थी। आज कहाँ कौन सा धर्म अपना रखा? नहीं अब तो मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं अपने पूर्वजों में हूँ, ये बड़ी खुशी है, और मैं चाहता हूँ जिनको बुरा लग रहा है वो भी आ जाए मेरे साथ में। एक एप्लीकेशन दाम्पत्य आए थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया है, उस एप्लीकेशन पर उचित जो धारा बनती है उसमें हमने FIR कायम करा दिया है, और वो बता रहे हैं कि किसी से उनको धमकी उमकी दे रहा है, तो उसके संबंध में उनके घर पर हमने फोर्स डिप्लॉय कर दिया है उनकी सुरक्षा के लिए, और बुरी उसकी उन पर नज़र रखी जा रही है, उनकी मदद की जा रही है, और जो FIR लिखा है उस FIR में जो तथ्य आएगा उस हिसाब से इसमें कार्रवाई करेंगे।